हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज मेरा टॉपिक है विंटर में एडेनियम प्लांट की कैसे केयर की जाए। विंटर में एडेनियम प्लांट की केयर थोड़ा सा मुश्किल हो जाती है लोगों का सोचना है, बट मेरा सोचना ऐसा नहीं है। अगर कुछ बातों का ख्याल रखा जाए तो फ्रेंड्स, बहुत अच्छे से विंटर में एडेनियम प्लांट की केयर हो सकती है। विंटर में एडेनियम प्लांट के लिए हमें तीन बातों का ख्याल रखना पड़ता है। रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर, आप वाटर की रिक्वायरमेंट इसकी क्या होती है, फर्टिलाइज़र की, और इसके डोरमेंसी पीरियड का। सबसे पहले आप जो है इसके विंटर में इस प्लांट की जो वाटर रिक्वायरमेंट होती है फ्रेंड्स, वो बहुत कम हो जाती है। ये एक डेजर्ट प्लांट है और ये सेक्लेंट वैरायटी का प्लांट होता है, तो इसके जो कोडेक्स होता है ये खुद नेचुरली इतना इसमें पानी स्टोर होता है, इसको बहुत एक्स्ट्रा पानी की ज़रूरत नहीं होती। इसीलिए हम इसकी सॉइल जो है देखिए पोरस बनाते हैं, ताकि जो भी एक्स्ट्रा वाटर हो या ओवर वाटरिंग हो तो ना होने पाए। तो हम विंटर में क्या करते हैं कि ये जब डोरमेंसी पीरियड में चला जाता है, विंटर में एक्चुअली जो ये प्लांट होता है डेजर्ट रोज़, इसको डेजर्ट रोज़ भी बोलते हैं, ये डोरमेंसी पीरियड में चला जाता है, इसका रेस्ट टाइम शुरू हो जाता है। तो ये जब स्लीपिंग पीरियड में जाता है तो हमें इसकी कुछ बातों का विशेष ख्याल रखना चाहिए। सबसे पहले जो है हमें इसकी पानी की मात्रा कम कर देनी चाहिए। हफ्ते में 1 वीक में या 10 दिन में एक बार पानी देना चाहिए, एक्स्ट्रा पानी नहीं देना चाहिए। और इसकी जो जब ये डोरमेंसी पीरियड में जाता है तो ये लीव्स जो होती हैं इसके, वो अपने आप पीली पड़ने लगती हैं और लीव्स गिर जाती हैं, तो हमें क्या करना होता है, इसकी प्रूनिंग करनी होती है। आप इसकी प्रूनिंग करके, अगर आपकी बहुत लंबी लंबी ब्रांचेज हैं तो आप इसकी प्रूनिंग कर लें। प्रूनिंग करने के बाद अगर लंबी ब्रांचेज नहीं हैं तो इसकी प्रूनिंग वैसे फेब में भी बहुत अच्छी होती है, क्योंकि आप तब इसमें आप कटिंग इसकी जो है यूज़ कर सकते हैं। इसकी जो है कटिंग बहुत अच्छी आसानी से लग जाती है फेब में, तो आप फेब में इसको कटिंग करने से प्रून करने से आप इसकी कटिंग यूज़ कर सकते हैं। इसकी कटिंग भी बहुत अच्छी तैयार हो जाती है, बट उसमें कॉडेक्स नहीं तैयार होता है, बस कटिंग्स अच्छे से, मगर फूल बहुत अच्छे प्रोड्यूस करती है। आप इसकी कटिंग यूज़ कर सकते हैं फेब में कटने से, और अभी आप करना चाहें तो अभी कर सकते हैं। तो ऐसा है, इसका प्रून करने का तरीका ये होता है कि आप इसको ये जो नोट एरिया होता है इसका, सॉरी इसका जो ग्राफ्टेड एरिया होता है, जैसे ये ग्राफ्टेड है यहाँ से ये, उसके 2 इंच, मतलब 2 इंच आप ऊपर ले लें और कट कर दें, और उसके बाद कोई अच्छा फंगिसाइड से उसको जो है कवर अप कर दें। फंगिसाइड ज़रूर लगाएं, नहीं तो फंगस की थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। प्रूनिंग में आपको प्रूनिंग करने के बाद आप इसको जो है हफ्ते में एक बार जो है बस पानी दें, और प्रूनिंग और इसमें फर्टिलाइज़र भी की नहीं ज़रूरत होती है विंटर में, क्योंकि दोस्तों ये डोरमेंसी पीरियड में जाने के बाद ये रेस्ट करता है और हमें इसका बर्डन कम करना होता है। तो ना तो हमें सिर्फ फर्टिलाइज़र की कोई रिक्वायरमेंट इसको होती है, ना तो हमें इसको फर्टिलाइज़र देना होता है, और ना ही हमें इसे एक्स्ट्रा वाटर देना होता है, और हमें इसकी प्रूनिंग भी कर दें ताकि ये जो इसका जो बर्डन होता है ज़्यादा, मतलब इसमें लोड पड़े वो नहीं होना चाहिए। तो आप इसकी प्रूनिंग कर देंगे तो ये रिलैक्स हो जाएगा और ये स्लीपिंग पीरियड में अपना आसानी से डोरमेंसी पीरियड में जा सकता है। विंटर पीरियड ये इसका डोरमेंसी पीरियड होता है। फिर फेब में आप जब फेब आता है तब आप इसमें कटिंग, प्रूनिंग और फर्टिलाइज़र कर सकते हैं। तो ये नई नई ब्रांचेस निकालता है, नए नए फूल प्रोड्यूस करता है, और आप कट करेंगे तो वहाँ से 2 ब्रांचेस निकलेंगी फिर उसमें, तो ये इससे इसका कोडेक्स भी, मतलब जो है इसकी कोडेक्स की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है, और ये घना भी हो जाता है और फूल भी ज़्यादा मात्रा में देता है। तो दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि मैंने सभी कुछ आपको बता दिया है कि विंटर में कैसे, मतलब एडेनियम प्लांट की केयर करनी है। बहुत कुछ खास नहीं, सिंपल वे में आप, सिंपल विद केयर है, हैंडल विद केयर है, आप बहुत आसानी से इस प्लांट को मतलब जो है रख सकते हैं। अगर कुछ विशेष बातों का, इन जो मैंने बताई हैं इनका ख्याल रखें, और ये रफ एंड टफ प्लांट है, बहुत ही खूबसूरत प्लांट है जो आपके गार्डन को बहुत खूबसूरती प्रदान करता है, और बहुत ही आसानी से लगने वाला पौधा है। और बस कुछ बातों का अगर हम विशेष ध्यान रखें तो ये प्लांट बहुत ही सुंदर है, बहुत सुंदर, और हैंडल विथ केयर है। थैंक यू दोस्तों, आपको वीडियो मेरा अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और आइकन बटन पे क्लिक करिएगा। थैंक यू, हैप्पी गार्डनिंग।